डीजल में लगातार बढ़ोतरी के चलते सिविल सप्लाई विभाग के सीमेंट ढुलान में जुटे हजारों ऑपरेटरों को रेट में वृद्धि न होने से हो रहा आर्थिक नुकसान। बड़ी मुश्किल से ईंधन खपत भी नहीं हो पा रही है पूरी। उल्लेखनीय है, वर्ष 2014 में सिविल सप्लाई विभाग द्वारा किराए तय किए गए थे, लेकिन उस समय डीजल 56 रुपए प्रति लीटर था। ये बात BTTS सभा पूर्व प्रधान एवं वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य रमेश ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा, सभा ब एक्स सर्विसमैन यूनियन के 5,000 से अधिक ट्रक ACC फैक्ट्री में सीमेंट ढुलान कार्य हेतु लगे हुए हैं, परंतु सिविल सप्लाई विभाग के द्वारा विभिन्न सरकारी महकमे को जाने वाले सीमेंट सप्लाई के पूर्व रेट ट्रक किराया 8.35 पैसे प्रति टन के होने के कारण लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान ऑपरेटरों को हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब डीजल में वृद्धि वर्ष 2014 के बाद होने के कारण ऑपरेटरों को पूर्व भाड़े में ही स्टेशन तक सीमेंट पहुंचाने के लिए डीजल भी बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है, क्योंकि इस समय सिविल सप्लाई भाड़ा और अन्य स्टॉकिस्ट और डंप के रेट में 1.64 पैसे का अंतर है, जिस कारण प्रति गाड़ी किलोमीटर के हिसाब से 1,000 से 2,000 के बीच फर्क का नुकसान ऑपरेटरों को झेलना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि 14 मई 2018 को जब वे प्रधान के पद पर थे तो एक प्रतिनिधिमंडल सिविल सप्लाई विभाग व सरकार से डीजल के मुताबिक रेट बढ़ाने के लिए मिला था, परंतु कुछ दिनों बाद भी BDTS में सत्ता परिवर्तन होने के कारण ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। रमेश ठाकुर, सदस्य चंदूराम ठाकुर, कुलदीप गौतम, पवन कौशल, विनय कुमार वर्मा, कमल किशोर व अन्य सभा के सदस्यों ने बताया कि COVID-19 के कारण पहले से ही ऑपरेटरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरे, अब डीजल का ज्यादा गैप होने के कारण सिविल सप्लाई महकमे के द्वारा दी जाने वाली सरकारी महकमे को सप्लाई के रेट तुरंत बढ़ाने के लिए मांग की है। वहीं इन्होंने वर्तमान सभा पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ढुलमुल रवैये के कारण ऑपरेटरों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि सरकार विभाग द्वारा वर्ष 2018 में भी प्रतिनिधि मंडल को डीजल बढ़ोतरी के मुताबिक रेट बढ़ाने की बात की गई थी। इन्होंने प्रधान व अन्य पदाधिकारियों से मांग करते हुए कहा कि शीघ्र इस विषय पर गौर फरमाएं ताकि ऑपरेटरों को हो रहे आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। मेरे सभा के सभी ट्रांसपोर्ट प्रबंधकों को नमस्कार। आज डीजल में हो रही बेहताशा वृद्धि के कारण आम आम ऑपरेटरों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे सिविल सप्लाई के रेट जो 2014 से आज तक नहीं बढ़े, क्योंकि 2014 में डीजल का रेट 56 रुपये था और आज डीजल का रेट 71 रुपये यानी 71 रुपये के लगभग हो चुका है, जिससे हमारे स्टॉकिस्ट और डंपों के रेट और सिविल सप्लाई के रेटों में एक चक्कर में 1500 से 2000 रुपए का अंतर आ रहा है। पहले ही COVID-19 महामारी के चलते हमारे ऑपरेटरों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है, ऊपर से सरकार के डीजल के दिन प्रतिदिन रेट बढ़ाने से और ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे सिविल सप्लाई के रेटों में और डंपों के रेटों में भारी अंतर आ चुका है। इसलिए BDTS मैनेजमेंट से भी मेरा अनुरोध है, क्योंकि वो भी जल्दी से जल्दी सरकार से मांग उठाए और हम भी सरकार से मांग उठाने जा रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर अंदर अगर हमारे सिविल सप्लाई के रेट नहीं बढ़ाए जाते तो हम सिविल सप्लाई का माल उठाने में असमर्थ होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और BTS मैनेजमेंट की होगी, क्योंकि ये तो BTS मैनेजमेंट की नाकामी के कारण ही आज तक रेट नहीं बढ़े, क्योंकि इससे BTS ट्रांसपोर्टर और एक्स सर्विसमैन अंबुजा अल्ट्राटेक में जितने भी ऑपरेटर काम कर रहे हैं सबको करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी यह हमारी मांग को पूरा करे।